नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड MCX की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड MCX का चार्ट। दोस्तों, कल जिस तरीके का सेशन था वो इम्पॉर्टेंट क्यों था, इसकी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले कल के ट्रेडिंग सेशन से हम शुरू करते हैं। जो ओपनिंग थी वो थोड़ी सी एक गैप डाउन ओपनिंग रही और मार्केट ने यहाँ से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहा, नीचे के लेवल्स और नीचे के लेवल्स और नीचे के लेवल्स और मतलब मार्केट ने अपने आप को जो स्ट्रेंथ दिखानी थी वो दिखा नहीं पाया, जो वीकनेस दिखानी थी वो कंटिन्यू करे रहा पूरे टाइम पर। और एंड होते होते इसने जिस तरीके का एक सेशन दिखाया उसमें इसने क्लोजिंग अपने लोअर पार्ट से थोड़ा सा ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। आज जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग ओपनिंग करी है, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई और यहाँ से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 46212 का इसका करंट प्राइस है और अपने ओपनिंग प्राइस से अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम डिस्कशन करने वाले थे वो ये है कि गोल्ड के प्राइसेस में हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आने लगी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, USD INR में एक जो बम्पर रिकवरी हमने देखी है, 63 पैसे के आसपास एक गेन कर चुका है USD INR, तो वो एक बहुत बड़ी फिगर है USD INR के लिए। अगर वो फिगर नहीं होती इतनी तो गोल्ड के प्राइसेस आज 45,500 के आसपास भी जाने के लिए रेडी हो जाते, पर अभी यहाँ पर इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये मैं सिर्फ MCX की बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स पर उसमें अभी एक ब्रेकडाउन आएगा, ऐसी उम्मीद है कि ब्रेकडाउन आ जाएगा और फिर मार्केट रिकवर करता है तो वो एक अलग चीज़ रहेगी। पर यहाँ पर USD INR की वजह से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। अगर USD INR इतनी ही ऊपर अपने अपने प्राइस को होल्ड करने की कोशिश करता है तो वो एक मेजर कंसर्न है, जिस वजह से हमने गोल्ड में पूरे दिन कल हमने देखा कि गोल्ड में जो करेक्शन थी वो कंटिन्यू रही थी और सिल्वर में पहले प्राइसेस होल्ड हो रखे थे ऊपर में और फिर धीरे धीरे सिल्वर के प्राइस नीचे आ गए पर गोल्ड के प्राइसेस होल्ड हुए रहे। ये मैं बिल्कुल एंड की बात कर रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को नोट किया हो तो उसका एक बड़ा रीज़न यही है। अब अगर USD INR में जो ये तेज़ी हमने देखी है इसमें थोड़ी सी भी कुछ करेक्शन हमें देखने को मिलती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी गोल्ड पे फिर से पड़ेगा, तो उस पर आप थोड़ा सा नज़र रखना, मॉनिटर करते रहना उस चीज़ को। बाकी गोल्ड MCX पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, करेक्शन अभी कंटिन्यू है, सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू है, सपोर्ट मिलने के चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर USD INR में प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं तो गोल्ड को ऑब्वियसली यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा और प्राइसेस जो हैं वो कभी भी फिर ऊपर की तरफ मूव करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज़ को कि किस तरीके से प्राइसेस आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस में हमें एक रिकवरी नज़र आई थी जिसमें प्राइसेस 47,000 को टच नहीं कर पाए और यहाँ से हमने एक करेक्शन बनती हुई देखी। प्राइसेस 47,000 तो टच नहीं कर पाए पर यहाँ नीचे में 46,000 ज़रूर टच करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैंने आपको इस हफ्ते के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे हफ्ते गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो 46,000-47,000 के बीच में रहने की उम्मीद है। एक साइडवेज ट्रेंड चलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, इन सारे फैक्टर्स को आप ध्यान में रखिएगा और फिर नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग कैसी होगी, वीकली ओपनिंग कैसी होगी, वो एक मेजर कंसर्न रहेगा। तो बहुत ध्यान से आप ट्रेड कीजिए और मैं आपको ये कहूँगा कि पोजिशन को अगर आप कैरी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको काफ़ी बड़े मार्जिन से आपने सेल या बाय कर रखा है तो ही आप उसे कैरी करने का सोचें, अदरवाइज आप कोई किसी फ्रेश ट्रेड को जिसे आप आज ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे आप कैरी ना करें तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रिस्क उतना होना चाहिए जितना आपको गेन की एक्सपेक्टेशन हो। रिस्क इसमें ज़्यादा लग रहा है, गेन थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि मंथली ओपनिंग एकदम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकती है, तो वो थोड़ा गैम्बलिंग उसमें ज़्यादा रहेगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार,
एक घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हमने देखा मार्केट में सेलिंग सेलिंग रिकवरी, फिर सेलिंग सेलिंग सेलिंग, और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी होके मार्केट वापस अपने उसी सपोर्ट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है जो इसने एक अपना बेस प्राइस बनाया था। देखना ये होगा कि क्या इसे इस यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या फिर मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ओवरऑल अभी तक इसमें सेलिंग लग रही है। कौन सा प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, यहाँ बाइंग, यहाँ और थोड़ी स्ट्रेंथ बनी, यहाँ से मार्केट में एक लगातार एक सेलिंग का व्यू बनने लग गया और अभी तक प्राइसेस जो हैं वो नीचे के लोअर एंड पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट प्राइस है 46,210। कल भी मैंने आपको एक प्राइस बताया था 46,730, वो प्राइस टच भी नहीं हुआ, ब्रेक भी नहीं हुआ, उसके ऊपर ही मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज आ सकता था। और मैंने आपको बताया था कि जब तक उसके नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट में एक सेलिंग बने रहने के चांसेस हैं। तो कल वो प्राइस टच नहीं हुआ, मार्केट उसके नीचे ही रहा और 46,060 का मेरे ख्याल से लो लगा था। तो एक काफ़ी अच्छा एक सेल आउट हमें देखने को मिला है। दोस्तों लेवल्स हमारे लिए इन्हीं जगह पर हेल्प करते हैं। हम कोई रैंडम लेवल अगर काउंट करें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा गलत रहेगा। आपको थोड़ा अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ आता है, आपने स्टडी किया है या फिर थोड़ा ऑब्जर्व किया है खुद ही हिट एंड ट्रायल मेथड से, कैसे भी पेपर ट्रेडिंग करके कैसे भी किसी भी तरीके से, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आने लग जाएगा कि लेवल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है मार्केट में। वो मैं सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस दी फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पर लेवल्स आपके लिए हमेशा एक यूज़फुल टूल रहेंगे आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में और आपके आपके फंड्स को सेफ गार्ड करने में। तो आप भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में सेलिंग पेंडेमिक के टाइम, मार्केट ऊपर बुल रन और उसके बाद वहाँ से मार्केट में एक करेक्शन अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्कुल अपने लोअर एंड पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्या बाइंग आएगी, नहीं आएगी, किस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर सकते हैं, यूएसडी आईएनआर को लेकर सपोर्ट मिलेगा तो वो इतना मिलेगा क्या कि गोल्ड एमसीएक्स को भी सपोर्ट मिल जाए, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। थोड़ा सा वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम अब उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, हमारे लिए अब आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि 45,800 के आसपास इसे एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। आज अगर कोई भी बड़ी गिरावट भी आने की कोशिश होती है और यूएसडी आईएनआर में अगर प्राइसेस जो हैं उसके नीचे की तरफ नहीं गिरते तो गोल्ड को इन लेवल्स पे एक सपोर्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 45,800 से 900 के बीच में वापस इसे सपोर्ट मिलने के चांसेस बन जाएंगे अगर यूएसडी आईएनआर में एक करेक्शन नहीं आती, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हम देख रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक चांस ऐसा बना रह सकता है कि प्राइसेस में एक सपोर्ट मिलना शुरू हो। देखिए सेंसेक्स निफ्टी, वहाँ भी हमें गिरावट थोड़ी सी नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल ने अभी तक अपने प्राइसेस को होल्ड कर रखा है, वो एक चीज़ रहेगी जो गोल्ड में अभी तक प्रेशर बना के रखा हुआ है जिसने। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब तक ऊपर होल्ड हैं तब तक गोल्ड में रिकवरी के चांसेस भी थोड़े से कम हैं। क्रूड ऑयल अगर नीचे गिरने लगे, देखिए यूएसडी आईएनआर का इतना बढ़ने का मतलब डॉलर का इतना स्ट्रांग होने का मतलब ये भी है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा वीकनेस स्टार्ट होनी चाहिए, पर अभी तक कोई नहीं है। तो जब तक वो नहीं होती तो तब तक गोल्ड के प्राइसेस भी वापस ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे या फिर बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, तो ये एक चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं। और अब हम लेवल की बात अगर करें तो 46,600 इसका एक इंट्राडे के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल है। यहाँ पर इस प्राइस को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे 46,600। ठीक है, ये मैं आज के लिए बता रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल हैं तो 47,000 बिल्कुल एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल
लेवल है, टेक्निकल लेवल है, ये ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी अब आपको देखने को मिल सकती है। 47,000 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 47,500 या 800 के आसपास मार्केट एक सिंगल शॉट में भी जा सकता है। तो ये दो लेवल हैं जो आपके लिए ऊपर में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नीचे में 45,800 के अराउंड इसे एक सपोर्ट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ आप ये मत रखिएगा अपने माइंड में कि मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर ही जाएगा। ऊपर में जाता है तो ये वाला लेवल, ये अगर ब्रेक करता है तो आप इंट्राडे में एक रिस्क ले सकते हैं कि 46,600 ब्रेक कर गया। और दूसरी चीज़, ये प्राइस अगर इवनिंग में ब्रेक होता है तो ही आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज आप अवॉइड करें, ठीक है। गोल्ड में आज का ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की इसलिए रह सकता है क्योंकि इसके ऊपर 47,000 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है। यहाँ पर आप बाइंग करेंगे, हो सकता है 200 पॉइंट का एक आपको जंप दिखाए, वापस मार्केट एक सेलिंग प्रेशर फील करे 46,800 के आसपास, तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं मिल पाएगा। अगर 47,000 जो आज ब्रेक करता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर अगर 47,000 ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस रहेगा। सेलिंग प्रेशर तब तक है जब तक 46,600 ब्रेक नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा गोल्ड M6 पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।